हेलो दोस्तों, और एक कैसे आप सब। मैं हूँ हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मोहम्मद मुजीब का हालत है ज़िंदगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेबल बना लेंगे। नाम मोहम्मद मुजीब, विलादत 30 अक्टूबर 1902 में लखनऊ में पैदा हुए। वालिद का नाम था मोहम्मद नसीम, जो कि एक एडवोकेट थे यानी कि वकील थे। और वफात जो हुई थी इनकी, यानी इंतकाल जो हुआ था वो कब हुआ था, 20 जनवरी 1985। और ख़िताब जो इनको मिला था वो क्या मिला था, पद्म भूषण का। अब जैसे हमने बताया था पहले आपको कि पहले टेबल बना लिया, अब उसी को एलिब्रेट कर देंगे बहुत इजी तरीके से। देखें मोहम्मद मुजीब 30 अक्टूबर 1902 यानी कि 13 अक्टूबर 1902 में लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद नसीम था, जो ख़ुद एक मशहूर वकील थे। उनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ में हुई और फिर वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड को फ्रेंड्स इंग्लिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। और वकालत की तालीम हासिल करने कौन गया था, मोहम्मद मुजीब गए थे, ठीक है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, वतन वापस आने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। वो उर्दू के एक मशहूर ड्रामा निगार भी हैं। उन्होंने कुल 8 ड्रामे लिखे हैं, साथ ही वो एक बड़े अफसाने निगार भी हैं। बागी, अंधेरा, पत्थर इनके मशहूर अफसाने हैं। उन्होंने पद्म भूषण के खिताब से भी नवाजा गया। 20 जनवरी 1985 को प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को सुपुर्द खाक किया गया, यानी 20 जनवरी 1985 को प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का इंतकाल हुआ। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।